ऐसे टॉर्चर करते थे और कभी मेरे दहेज के ऊपर मांग करते रहते थे। मेरे ससुराल में मेरी नंद और मेरी सास ने और मेरे पति ने मुझे 1 लाख रुपए की फैंसी स्टोर खोलने की। आज कलेक्ट्री में एसपी सर से मिलने मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे दोनों जेठ मुझे छेड़खानी करते बाबुद्दीन और रहीम और मेरा पति है इनकी बहकावे में आकर इनने मुझे दबाव बनाकर सर मेरा 3 तलाक करवा दिया। मेरे आदमी ने मुझे 25 जनवरी को दोपहर में मारा पीटा अपने मोहल्ला वालों के सामने, मुझे 3 तलाक दे दिया और फिर चोटी पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके आया, सबके सामने मुझे गालियाँ दी, गाली गलौज देते हुए उन्होंने मुझे 3 तलाक करके घर में रख लिया। और सर मुझे दूसरे दिन मोहल्ला वालों को, पड़ोस वालों के जरिए मेरे घर वालों को पता पड़ा, तब उस दिन मुझे घर से लेके गए थे। आए दिन सर ये मुझे मारपीट करते रहते थे, मेरे से टॉर्चर करते थे और कभी मेरे दहेज के ऊपर मांग करते रहते थे। मेरे ससुराल में मेरी नंद और मेरी सास ने और मेरे पति ने मुझे 1 लाख रुपए की फैंसी स्टोर खोलने के लिए मेरे मांग की, मुझसे बोला कि 1 लाख रुपए लेकर आ, तेरे घर वालों से लेकर आ, नहीं तो तू कभी इस घर में रहेगी नहीं तो निकल यहाँ से घर से। मुझे हर तरीका के टॉर्चर किया सर, मुझे मारपीट करते रहते थे और मेरे से बदतमीजियाँ करते। घर वालों को सर मेरी शादी 16 फरवरी 2020 को हुई थी, जयपुर में एक सम्मेलन में की थी सर। मेरे घर वाले गरीब थे इसी वजह से उनकी मांग जांच नहीं थी, उसके बाद में मांग जांच चालू। ससुराल वाले कहाँ के हैं? मेरे ससुराल वाले सर हिंडौन के, लेकिन अब ये अजमेर में रहते हैं सर, ये लोहा खान टेम्पो स्टैंड जेलर वाली गली में। इस सर काफ़ी दिनों तक ये चलता रही है, फिर उसके बाद में सर अगर इन्होंने बोला है अगर कोई भी कुछ भी करेगी, केस करेगी, कोई भी मुकदमा दर्ज कराएगी तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारा सर मुझको और मेरे घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं सर। ये सर आपसे निवेदन है सर, आपसे वो अपील करते हैं कि मुझे सुनवाई, मेरे कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ मिले। आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? मैंने उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में 31 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया, जो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट फरवरी को मैंने सर महिला थाने में करवाया, तो उसके बाद में मुझे कहीं भी सुनवाई नहीं मिले। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे और कई औरतें जो इस तरीके की परेशानियों से जूझ रही हैं सर, उनको सर मेरी 2 बेटियां हैं, वो बोलते हैं कि पैसा लेके आ घर में से और तो तेरी तूने तो 5 बेटियां पैदा की हैं, तूने तो 5 बेटियां पैदा करी तेरी माँ ने, तो तू भी बेटियां पैदा करेगी। इसी वजह से सर बोलते हैं कि तो हम तुम्हारे बेटा की भाई की दूसरी शादी करवा देंगे, ताकि तूने बेटियां पैदा की है हमको बेटा चाहिए। इसी वजह से सर मुझे टॉर्चर करते रहते थे, कभी मुझे दहेज के लिए मांग जांच रहती थी और मेरे दोनों जेठ मुझे छेड़खानी करते थे हर तरीका थे। और मेरे आदमी ने मुझे हर आदमी ने मेरे साथ आप कहाँ की रहने वाली हो? सर मैं भरतपुर के, लेकिन ये अजमेर में रहते हैं। अजमेर में कहाँ रहते हैं? अजमेर में लोहा खान लोहागल कबीर नगर में। और सर ये मेरा ससुराल है जो है लोहा खान टेम्पो स्टैंड जेलर वाली गली में वो रहते हैं। आए दिन मेरा नाम शबाना कुमारी।